स्वीटी पागल हो चुकी है, वो बहुत पुराना मतलब 4-5 साल का तो होगा इसीलिए कोई आइडिया नहीं है। Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. देखो दोपहर में बारिश हो रहा है, मतलब अभी और कितना बारिश है, अभी नवरात्रि भी आने वाला है, अक्टूबर में भी बारिश हो रहा है। स्वीटी का क्लास खत्म हुआ, फिनिश हुआ? जस अभी फिनिश हुआ, 1:30 बज रहा है। हेलो स्वीटी, गुड आफ्टरनून, आप सब कैसे हो स्वीटी? आप सब बच्चे कैसे थे, आज क्या मजा किया स्वीटी का? हाँ पढ़ाई किया। और ये स्वीटी का ना कोई पावर वाला चश्मा नहीं है, ये कंप्यूटर के लिए है, ब्लू रे फिल्टर वाला। अरे वाह, देखो स्वीटी अपने बॉडी को अकड़ गया, बॉडी को एकदम कड़कड़ करके आवाज आया। बेड बिस्तर एकदम बना के एक क्विल्ट ला लेना, हाँ नेक्स्ट टाइम से। और वॉशिंग मशीन में मैं नॉर्मली मैक्सिमम कपड़ा ना स्ट्रॉन्ग में देती हूँ, ये स्ट्रॉन्ग है, एक क्विक होता है मतलब बहुत जल्दी है, और ये जेंटल सॉफ्ट वाला जो कपड़ा होता है या नॉर्मल मैक्सिमम टाइम स्ट्रॉन्ग में देती हूँ। और ये ऑटोमेटिकली होता है तो ऑटोमेटिकली सेंस करता है, क्योंकि किसी फ्रेंड ने पूछा था मैत्री आपका वॉशिंग मशीन कैसे चलाता है, जस्ट ऑटोमेटिक में ज्यादा कुछ झमेला नहीं है, मोड चूज करना है और स्टार्ट दबाना है। और यहाँ पे पानी का कनेक्शन तो स्वीटी है, पानी का कनेक्शन तो यहाँ पे वो नल जो है वो लगाया रहता है, और स्विच, बिना स्विच का तो वो चलेगा नहीं। पानी बढ़ रहा है, 50 मिनट बाद हो जाएगा। चलो तुम तब तक थोड़ा काम मेहनत करो। मैं तेरे को पिग्गी बैंक का पैसा दो। क्या? मैं तेरे को पिग्गी बैंक का पैसा दो। हाँ तो पैसा देकर उसको खरीदा, देखा कितना अच्छा जगह पे रखा है उसको। सीढ़ी वाले वो मेहनत करते हैं इसीलिए उसको पैसा मिलना चाहिए। मॉडल नंबर नहीं बता सकती क्योंकि वो बहुत पुराना मतलब 4-5 साल का तो होगा इसीलिए कोई आइडिया नहीं है। अभी एलजी का है, एलजी का वही टॉप लोड है। अच्छा लग रहा था सीढ़ी वॉइस ओवर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और धूप निकला है फिर से बारिश के बाद, अभी पता नहीं वेदर कैसा हो रहा है। धूप छाओ और धूप देख कर मन एकदम मतलब ना एक मन में खुशी खुशी जैसा फील होता है। फिर से वही दाल बना रही हूँ वही छौंक के साथ, क्योंकि स्वीटी को बहुत पसंद है। छौंक ऑलरेडी तो दिखाया, और ये दाल पहले छौंक लो। बर्तन भी धो लिया, ये बाहर था ना तो ये पहले से ही थोड़ा बहुत जंग लगा था, मतलब नया से जब खरीदा था ना तब से, ये मतलब ऐसे क्रॉफर्ड मार्केट से खरीदा था, उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है। ये एक्चुअली डेकोरेशन के यूज होता है, जो पार्टी वार्टी होता है ना, तो ये वाला प्लांट ना इसके ऊपर रखती थी। ये कितना धूल हो गया था, सब धोया, इसको भी धोया था अभी थोड़ी देर बाद इसको। स्वीटी का क्लास चल रहा था इसलिए मैं नॉर्मली लिविंग रूम ना मैं बाद में साफ करती हूँ 1:30 बजे के बाद। और उसके बाद ये जो बालकनी कल तो पूरा ऊपर में ठोक ठोक कर मतलब जितना जो जो डैमेज जगह है वो निकाल के नया रिपेयर कर रहे हैं, तो रिपेयर करने से क्या होता है बताए धूल में। देखो पूरा नीचे का जो फ्लोर है साफ किया है, लेकिन ये पुराना टाइल्स है ना तो वो उतना साफ ही होता है, लेकिन पूरा साफ है एकदम, ये जगह पूरा निकल के पूरा धोया एकदम सब। बालकनी मैंने परसों भी नहीं धोया था, क्योंकि धो के क्या फायदा, ये लोग 5:30, 5:30, 6:30 जाता है तो सिर्फ रात के लिए मैं क्या ये करूँ पूरा, इसीलिए पूरा मॉफ करके अभी चाटने से लग रहा है इसीलिए। इतना कंकर पत्थर एकदम, और पौधे भी थोड़ा साफ कर लिया। खाना खा लिया था, खाना खाया दाल चावल और शांतनु का सुबह का बंधा गोभी का थोड़ा सब्जी था, शांतनु को दिया था वही रह गया था वही। वहाँ पर खाना खा के मैंने 10 मिनट रेस्ट करके बर्तन धो के तो पूरा साफ किया, 1 घंटा लग गया पूरा। पानी पिया नहीं बाबा, पानी पीना है जरूरी। छोले मसाला यहीं पे रह गया, यहाँ पे भी कुछ सामान क्वारंटाइन हो रहा है। ये इसमें ना 2 थैली बाहर रखा था, ये मैं लेके जाऊंगी गाड़ी पे रखना है। क्वारंटाइन के चक्कर में ना कुछ कुछ जगह ये जगह तो अभी स्टोर रूम जैसा हो गया। ये देखिए ये नया वाला लिया, नया टाइप का, ये जो शुगर केन का जूस निकालने के बाद जो वो लेफ्ट ओवर होता है ना वो छिबड़ा ही बोलते हैं।
अच्छा उससे भी ऐसा प्लेट, ये तो पेपर जैसा लग रहा है ना। शांतनु अभी ना ऑफिस में इस टाइप का प्लेट यूज कर रहे हैं। और ये है पाम ट्री वाला, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि है तो इको फ्रेंडली। ये भी इको फ्रेंडली है। हाँ तो इको फ्रेंडली दोनों है। शांतनु पहले गया शांतनु का ऑफिस में एक प्लेट आपने देखा होगा, शांतनु जब टिफिन खाते हैं वो वीडियो, सेरेमिक का प्लेट बोल वहाँ काफी सारी चीजें है। लेकिन अभी क्या होता है डेली बेसिस पे वो धोना वोना वो सब बहुत झमेला है। आप लोगों ने सजेस्ट किया था मैत्री यूज करना डिस्पोजेबल वाला, और मतलब नेचुरल है वो तो मिट्टी में मिल जाएगा। टेबल रखा थोड़ी दी दो। बैग कहाँ रहता है? बालकनी में। पहले बैग रहता था बेडरूम में। आप कैसे हो दुर्गा माता? आने का तैयारी? बैग पैक पैकिंग हो गया? दुर्गा माँ का बैग शायद पैकिंग भी हो गया होगा। सोच लिया चार दिन में क्या क्या साड़ी पहनेंगे, गहना भी लिया और लक्स लेना भूलना मत। हाँ इस बार तो मास्क लेना, साड़ी के मैचिंग पे मास्क लेना भूलना मत। और लक्ष्मी और सरस्वती गणपति जी और गणेश जी, गणपति जी के दो मास्क चाहिए क्योंकि हाँ एक मुंह में एक नाक में। और कार्तिक जी को भी बोल दीजिएगा सब मैचिंग मैचिंग। इस बार तो सारे मैचिंग मैचिंग मिल रहे हैं। हमारे मेनू इस तरह से लिखता है पॉपकॉर्न झाल मुड़ी, ये तो बन चुका है ऑलरेडी। वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना। गूगल लिखना भूल गए। हाँ किसी को दूध चाहिए बोलो मैं दूध लेके आती हूँ। ये है दूध का चीज, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे बचपन से ही ना वो मम्मी दूध लेने जाती थी। वो क्या बोलते हैं हमारे वहाँ पे खटाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं तबेला, तबेले पे। तब ये मुझे बहुत अच्छा लगता, तब तो स्टील का मिलता था, ये कलर वाला, ये तो फैंसी वाला। Looking back at me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. देखो रेस्टोरेंट पे होटल मैनेजमेंट जब सीखना पड़ता है ना, प्लेट एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कैसे चढ़ाते पता नहीं। होम मैनेजमेंट ना हम सब सीख गए हैं। एक के साथ एक स्वीटी का, स्वीटी के लिए वेट करना पड़ेगा। दो के साथ एक फ्री है क्या? हाँ दो के मेरे साथ लिए? एक फ्री फ्री वाला भी दो दोनों दो के साथ वाला, फ्री वाला हमारे फ्री वाला पर्सन के लिए। ये सुबह में ब्रेकफास्ट, शाम को, दोपहर में लंच, डिनर, एनी टाइम चल सकता है। मेरा बहुत अच्छा लगता है। रात हो चुका है अभी, स्वीटी अपने बेडशीट जो है वो चेंज कर रही है और काफी सारे चीजें चेंज करना है। स्वीटी का रूम का दो घड़ी वो बंद पड़ा हुआ है, स्वीटी को बोला उसका भी बैटरी चेंज कर दे। अभी बैटरी है भी नहीं वो भी नहीं पता क्योंकि मैं ना स्टॉक में बैटरी रखती हूँ। और ये सारे सब भूंदू वगैरह एक जगह पे, और ये सारे वॉशिंग मशीन का ही कोने पे बास्केट है। मैंने बोला टेबल भी थोड़ा ठीक कर दे। और आप लोगों को भी एक सजेशन करूंगी, घड़ी घर पे ज्यादा मत रखना, घड़ी बंद रखना भी अच्छा नहीं है। Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open. जीरा, चॉप्ड अनियन, और ये जब ब्राउन ब्राउन हो जाएगा अदरक लहसुन, सॉल्ट भी दिया था क्योंकि पिसता है बहुत अच्छा, धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची, चॉप टोमेटो, और इसका भी सॉफ्ट करना है। और मसाला जब भुनना हो जाएगा छोटा छोटा करके, आलू पोटैटो ऑप्शनल है माइनस कर सकते हो क्योंकि ग्रेवी अच्छा बनेगा। पोटैटो जब आधा पक जाएगा उस टाइम पे चना मसाला या छोले मसाला जो होता है ना, देखो ना बिना छोले का कैसे छोले मैं बनाती हूँ। और इसको मिक्स करके पोटैटो भी सॉफ्ट हो गया। और यहाँ पे वही परवल को मैंने छोटा छोटा करके काट के उसको फ्राई किया था, पॉइंटर गाउड या पोटोल। चने नहीं है तो क्या हुआ, चने मसाला ही परवल से बना रही हूँ, बिना चने का चना। पानी देके थोड़ा सा बॉईल करूंगी। स्वीटी पढ़ाई कर रही है, अभी स्वीटी का पढ़ाई चल रहा है क्योंकि अभी फिर से सेमेस्टर आने वाले है। हाँ स्वीटी का रूम अच्छा लग रहा है, मैं आई नहीं शाम से। फेरी लाइट जला है, वाह फेरी लाइट जलने से ना थोड़ा सा मन को खुशी खुशी मिलता है। आज क्या पढ़ाई चल रहा है? हिस्ट्री। मुझे भी अभी एग्जाम देने बोलो ना मैं भी दे सकती हूँ क्योंकि याद रट्टा जैसा लगाना हो जाता। ये वाले को तो दिखाया ही नहीं, बैग था ये तो ऑलरेडी दिखाया था ना, इसके अंदर मैंने कॉटन डाल के हो गया ना, एटलीस्ट बेचारा यहाँ पे बैठा रहता, नहीं तो बेचारा अलमारी के अंदर था। हो गया ना आपके सोने की जगह, आप यहाँ पे
बैठ के टीवी देख सकते हो, भूंदू के ऊपर बैठना, ये पूरा काउच हो गया एकदम, सो भी सकते हो, आराम से सोना हो जाएगा। मुझे ना भूंदू के ऊपर सोने में थोड़ा बेचारा लगता है, देखो बेचारा, लेकिन स्वीटी सो जाती है। पेट का अंदर खाना नहीं गया क्या? कालो जीरे, कालन जीरा, नाइजर सीड, मस्टर्ड ऑयल पे तेज पत्ता, सॉफ्ट अनियन और पोटैटो, धनिया, जीरा, सूखी मिर्च, अदरक, मेथी, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और ये रांधुनी, सेलरी सीड या अजमोद, ये भी लिंक दिया हुआ है। पानी देके स्मूथ पेस्ट बनाना है। यहाँ पे परवल, पॉइंटेड गाउट या पोटल, इसको मैंने जस्ट मस्टर्ड ऑयल पे सैलो फ्राई किया था धीमी आंच पे, और इसमें जो मसाला पीसा है वो सॉल्ट अंदाजा से, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज, बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ, ये हमारे सबसे सुपर स्पाइसी भी है, कोरोना के टाइम इसका डिमांड तो बढ़ गया। अभी धीमी आंच में भून भून के पकाना है। टेस्ट हो रहा है? भूनते भूनते मैं एक बार करके भाग रही हूँ क्योंकि किचन में ना गर्मी लग रहा है, होता है ना अक्टूबर हीट, तरह से एकदम भुना भुना करके बस ये अच्छा लगता है सचमुच। मुझे पोटल उतना पसंद नहीं है लेकिन ये तो ऑसम लगता है। और ये बन चुका है, लास्ट में थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ा सा ग्रेवी ग्रेवी टाइप। आज जल्दी जल्दी खाना बना के रख लिया, अभी 8:30 बज रहा है तो थोड़ा सा और आधा घंटे के बाद खाऊंगी। मैं उसी प्लेट में ढक के रखूंगी, तो अभी देखो ऐसे करके ढक के रखू, अभी फिर से प्लेट करना पड़ेगा, फिर से तो मुझे धोना पड़ेगा। अभी जिस दिन मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ, ऐसे ही मतलब जो बॉटल है, क्योंकि पानी का जग तो अभी यहाँ पे है ना, और यहाँ पे ये गरम वाला, तो गरम अभी सुबह में बॉयल करके उसको यहाँ पे रख देती हूँ तो ठंडा हो जाती। तो बैठा था अभी, फोन आया तो चला भी गया, फैन तो ऑफ करना चाहिए। खबे शांतनु का एक क्या डॉक्यूमेंट आया था, गलत भेजा था शांतनु ने, उसका नाम दिया मक्खी जलेबी का मक्खी, मक्खी का ये मक्खा होता है उल्टा उल्टा, मतलब मजाक देखो इसका। बेटी हमेशा मक्खी के जैसा खाने के आसपास घूमते रहती है, ये उसका बचपन का ही हैबिट है। क्या कर रही? घी नीचे ला रही। क्या कर रहे? घी को नीचे ला रही। घी को, घी कहाँ है? घी इसका अंदर है। ये भी अच्छा है लेकिन ज्यादा अच्छा है। हाँ ड्राई वाला तो एकदम भुना भुना जैसा, इसको देखो, इसको देख के तो लगेगा हाँ अच्छा है। स्वीटी को कौन सा? हाँ स्वीटी का चना टाइप का कोई भी प्रोडक्ट हो उसको अच्छा लगता है, चावल के साथ ज्यादा चलेगा। हाँ वो ग्रेवी वाला। आज का डिनर इस तरह से ही है, ये ना चटपटा टाइप का बना है, किसी को चटपटा पसंद है तो ये डेफिनेटली पसंद है। क्या करूं पता, पानी भर रहा है क्योंकि मैं पानी भर भर के थक चुकी हूँ। दो बोतल मैंने बोला, शांतनु बोले दो बोतल मैं भर देती हूँ। ये रात का इफेक्ट जो लगता है ना, मैं ना ये वाला लाई हूँ, ये स्वीटी लाइट है, जला था तो बुझता पड़ जाता ना, ये जो है ना ये घर पे था, मैं सोचा यहाँ पे कहीं पे रखूंगी ना तो अच्छा लगेगा। देखो इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिए, इन दोनों का घर है तो कहीं से घुस जाएंगे। मुझे ना पेड़ के नीचे इस टाइप का घर, मतलब हमारे घर जैसा होता है ना इमेजिन, लेकिन वो साइज में छोटा है इस तरह से। और ये रैबिट तो यहीं पे, जो खादी का एग्जीबिशन होता था तब का है, स्वीटी का बचपन का। किसी भी रीजन पे वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक जरूर करना, लाइक किए बिना जाना मत। अभी मिलेंगे कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव ऑल माय फ्रेंड्स। इवन इफ यू ट्राई, स्वीटी पागल हो चुकी है, स्वीटी ऐसे डांस करती है क्योंकि उसका कान पे कुछ गुंजा हुआ है, उसको समझ में नहीं आएगा मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ या नहीं। अच्छा समझ, इतना सुनाई भी दे रहे।